पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर सुक्खू सरकार पर हमला बोला। कहा सुक्खू सरकार ने एक तरफ एडवोकेट जनरल कार्यालय में वकीलों की भारी फौज खड़ी कर दी, दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिवों और वाटर सेस का केस कोर्ट में लड़ने के लिए बाहरी वकीलों को भारी भरकम फीस दे रखे हैं, राज्य का खजाना लुटा रखे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, सीपीएस निगम बोर्डों के अध्यक्षों और कांग्रेस विधायकों का 2 माह का वेतन स्थगित करने की नौटंकी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड में अपने मित्र अध्यक्ष की सैलरी में सीधा 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये विपक्ष 2023 में भी जो है वो वाटर सेस जो कमीशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में उसका विरोध करते रहे कि ये तर्कसंगत नहीं है, और सुक्खू सरकार ने वाटर सेस कमीशन जो है उसका गठन किया ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनसे वाटर सेस टैक्स लगा के सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। हालांकि इसके बाद जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी इन्वेस्टर थे वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो वाटर सेस कमीशन बनाया गया है ये असंवैधानिक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार, वहां भी सरकार को राहत नहीं मिली। मेरा तो इस विषय में यही कहना है कि सरकार को कोई भी फैसला है वो पहले सोच विचार के करना चाहिए। सरकार की इसमें बहुत ज्यादा फजीहत हुई है और बार बार मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका खजाना खाली पड़ा है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से सरकार का खजाना जो है वो खाली होने का रोना रो रहे हैं। देखिए विपक्ष